काफी हेल्पफुल होते हैं। अब आप ही बताइए ना, आपके पास अगर 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, हर एक एक तरह का एक्टिविटी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, डाटा रहेगा, भाई आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, आपका क्या बैलेंस शीट है, क्या है, यानी कि एक तरह का हर एक आर्थिक स्थिति से आपको रूबरू हो करवाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप राइट टाइम पे राइट वे से राइट डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के प्रपोज के लिए। ओके, तो अपने बिजनेस में बहुत सारा का इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए, डिसीजन मेकर्स इंटरनल या फिर बाहरी, आंतरिक और बाहरी रूप से आप एक बहुत बड़े डिसीजन ले सकते हैं। और एक बात जानते ही आप, बड़ा बनने के लिए जो है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी अपने कला है। तो भाई आप जो डिसीजन लीजिएगा तो किस आधार पे लीजिएगा, आपका जो बेसिस होगा वो, जो बेसिस, जो जानकारी आपको चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको कौन देगा, अकाउंटिंग देगा, अकाउंटिंग प्रोसेस देगा भाई आपको। अकाउंटिंग प्रोसेस जो देता है ना, इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस रन करता है, आप सही चीज को जान पाते हैं कि भाई हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस पे हमको प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे मेरा खर्च ज्यादा हो गया, कहीं टैक्स को ज्यादा हमने दे दिए, आखिर हुआ क्या, आखिर हमको प्रॉफिट हुआ तो इसका क्या रीजन है, अगर लॉस हुआ तो इसका क्या रीजन है नहीं। तो आपका जो क्या सही है क्या गलत है, आपको एक आईना की तरह मतलब ये आपको दिखा देगा, आप डिसीजन अच्छा से ले पाते हैं। ओके, इसी तरह से एक प्रोसेस चलती रहता है ना, तीर का निशान आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक तरह का ये इसी तरह का कैलकुलेशन चलता है। ओके, ये आपका फिगर था 1.1 का, सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। आप इस फिगर में देख लिए हैं कि जो है किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें 97 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड द AICPA आल्सो कंप्रिहेंड साइज दैट द पर्सन ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस प्रीवियस फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज द इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन द मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अकाउंटिंग कैन बी देयरफॉर द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ दैट डिफाइंड द मेनी मेनी रिकॉर्डिंग में कम्युनिकेट। ये वही बात को यहां पे बताया है, तो आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना। हां, एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट वो हम बताते हैं। तो चलिए, अब ये आपके लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आप ये देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है अकाउंटिंग में। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू द एप्रिशिएट दैट एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिफिनेशन। जी हाँ, आप जो है इसको जो है हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को पढ़ना एक अकाउंटिंग प्रोसेस में। पहला बात, इसमें ऐसी कैटेगरिया होनी चाहिए कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस तो करेंगे लेकिन उसमें ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग को देखना, समझना, जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहला वो बात क्या होता है कि भाई आपका इकोनॉमिक इवेंट्स होने चाहिए। जी हाँ, आप बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के अंडर में रिकॉर्ड कीजिएगा जो सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि इवेंट्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे, एक आपका होता है यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट, जिसमें कि आपका कोई भी ऐसा इवेंट हो, चाहे वो कस्टमर है, आप सेलिंग करें या परचेज करें, वो किसमें हो, मनी में हो। ओके, मनी में होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप कैश पे परचेज कर रहे हैं, आप किसी को यहाँ पे मतलब कि क्रेडिट पे भी सेल कर सकते हैं, कल क्रेडिट में पैसा देगा, है ना। तो आपका जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिजनेस का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और एक होता है यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब हो गया कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं। मान लीजिए कोई कस्टमर आया आपके आपके कंपनी में, आपके दुकान में, आपके ट्रस्ट में, वो सिर्फ पूछ जान के वो चले गया, सारा सारा मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में जान गया लेकिन वो परचेज नहीं किया, वो चले गया, तो भाई उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई परचेज करता, आप सेलिंग करते हैं जिसका मुद्रा में आप, या कोई इसी तरह आप खर्च करते, एक्सपेंस करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। आप इस बात को यहाँ पे समझिए कि इकोनॉमिक इवेंट कौन होते हैं और नॉन इकोनॉमिक इवेंट कौन होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट ऐसे है जिसमें कि मनी में उसका मेजरमेंट कर सके। ओके, चलिए, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे मीनिंग आता है, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पे आता है पहचानना। भाई पहचान करेंगे उसका, फिर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसको मापन करेंगे, किसमें, मुद्रा में पहचानेंगे, और तब जाकर उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होगा उसका, तब कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारा चीज जानना जरूरी है, पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इकोनॉमिक इवेंट है या फिर नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। अगर इकोनॉमिक इवेंट है तो भाई रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए, दूसरा आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, यहाँ पे संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीम एक ग्रुप बनकर यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जी अकाउंटिंग सेक्टर में जो इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड कौन रहेगा, आप ही बताइए। जब आप खुद का अपना बिजनेस कीजिए, कोई कंपनी ओनर तो इसमें रुचि रखेंगे क्योंकि वो कैपिटल को लगा कर अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है, या फिर कंपनी में जो है कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय हो गया, या फिर गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि सरकार को भी यहाँ पे जीएसटी फाइल करना पड़ता है, सरकार को टैक्स रिटर्न देना, इनकम टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे प्रत्येक आदमी को अपना अपना, और कंपनी को भी बहुत सारा टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, वैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है, वह कितना टैक्स कर रहा है, पर कितना टैक्स लाइबिलिटीज बन रहा है, तो सरकार का भी आपके नजर रहेगा और आपका भी नजर रहेगा कि भाई मेरा कितना एक्सपेंस हो रहा है और कितना सरकार को पेमेंट कर रहा है। तो इसमें रुचि जो रखेंगे, जी हाँ रुचि यानी कि बिजनेस के अंदर वाले, बिजनेस के बाहर वाले सब रुचि रखते हैं, तो जरूरी हो जाता है एक तरह से अकाउंटिंग करना। चलो अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री अगर बात करते हैं तो बहुत इसका लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। हम सीधा बात इसमें आपको बोल देते हैं कि जो है ल्यूका स्पेसियोली। ओके फिर सुनिए आप, ल्यूका स्पेसियोली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फ्रेंचाइज मतलब कि फ्रेंच के थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ल्यूका स्पेसियोली जो है अकाउंटिंग के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का ये पहली बार ये किया था, ठीक है ना, ये 1494 में, हाँ 1494 इस तरह से है, तो इस तरह से इसमें ये दिया गया था बुक में। अब हम जो है ना इसका जो हिस्ट्री पे अकाउंटिंग के नेक्स्ट वीडियो में डीपली आपको हम डिस्कस कर देंगे इसका हिस्ट्री पे अकाउंटिंग में, ठीक ना। हम लोग आज इसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरा वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो पहले हम लोग चलते हैं इसमें इकोनॉमिक इवेंट पे, ठीक ना। आप इस चीज के निश्चिंत रहिए, हम अकाउंटिंग का जो हिस्ट्री है ना वो आपको क्रमवार बेहतर तरीके से बता देंगे। ओके नेक्स्ट आप आता है इसमें आपका इकोनॉमिक इवेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स किसको कहते हैं, आप इसको पहले समझिए। चलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है मतलब कि इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट्स। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नाउन एज द हैपनिंग ऑफ द कंसिक्वेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच द कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड व्हिच आर द मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिहेव, इस तरह का बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन होना चाहिए जिसका हम लोग मेजरमेंट मनी में कर सकें। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल टेकन किया गया, देखिए परचेज ऑफ मशीनरी स्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन इवेंट विच कंप्राइजेस नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज द बाइंग ए मशीन्स। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर आप मशीनरी का परचेज करते हैं, इसका स्टॉलिंग यानी इसको लगाने में, सारा चीज रेडी करने में, एक तरह का निर्माण करने में, ये जितने भी चार्ज हैं जैसे कि मशीन आप परचेज किए, उसके बाद उसको लाने में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन में जो भी पैसा लगा, और साइट प्रिपरेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन यानी कि जो जिस स्थान पे आप जिस कंपनी में जिस जगह पे लगाए हैं मशीन को, वहाँ पे लाने में, वहाँ पे बैठाने में छोटा मोटा जो खर्च हुआ, भाड़ा लगा, मशीन में सारा दम जुटेगा। और फिर यहाँ पे क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपको एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बैलेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट इफ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन दीज आर नाउन एज द एक्सटर्नल इवेंट्स द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सच ट्रांजेक्शन। मतलब यह हुआ कि मशीनरी आप परचेज किए, मशीनरी को आपको लाने पे, कंपनी तक लाने पे, जहाँ पे आप उसको लगाना चाहते थे वहां तक का बड़ा लगा, फिर उसको वहां पे फिट करने में लगा, तो ये सारे के सारे मशीनरी से रिलेटेड खर्च हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसमें मनी इन्वॉल्व हुआ, अगर मनी इसमें खर्च हुआ है, जितने मनी खर्च हुआ उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके अब इसमें देखिए कि कुछ फ्लोविंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सच ट्रांजेक्शन। इसमें दिया हुआ सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू द कस्टमर्स, जी हाँ रेंडरिंग सर्विस टू